गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है शब्द और वाक्य, ये रीड करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले शब्द। शब्द क्या होते हैं? जब हम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, वो ध्वनियाँ जिनके मेल से वर्ण बनते हैं, है ना। हमारे मुख से वर्ण निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये पिक्चर बनी हुई है, इसका क्या, ये क्या, कौन सी पिक्चर है? बकरी, है ना। बकरी शब्द भी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इनको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ब क री, अलग अलग वर्ण है ना, और इन वर्णों को जोड़ने से देखो पूरा शब्द बन गया। क्या बन गया? बकरी। फिर ये नेक्स्ट है बोतल शब्द। बोतल शब्द के भी यहाँ पर अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं और उनको जोड़कर क्या बन गया? बोतल। ऐसे ही गुलाब का दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा गया है ना, है ना, इनका कोई ना कोई अर्थ है। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जो सही शब्द, जो सही होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, नीचे ऊपर बकरी लिखा हुआ था ना, अब नीचे है री क ब, रिकब। रिकब कोई शब्द है? नहीं है, क्योंकि ये वर्णों को देखो आगे पीछे करके लिखा हुआ है ना, अनिश्चित क्रम में। नेक्स्ट है तबोल, फिर है बलागू, है ना, इनका कोई अर्थ नहीं है और ये शब्द भी नहीं है। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट है नीचे देखो, कलम। कलम की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर पूरा शब्द बना हुआ है, फिर यहाँ पर आगे इसके टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट है उपवन, चिड़िया और खरबूजा। इनको देखो अलग अलग करके लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनके शब्द बने हुए हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, है ना। उपवन मीन्स क्या होता है? बगीचा। कलम पेन, चिड़िया पक्षी और खरबूजा फल होता है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमने शब्द पढ़े थे वैसे यहाँ पर वाक्य हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने वर्णों को सही रखकर शब्द बनाए थे, उसी प्रकार यहाँ पर शब्दों को सार्थक क्रम में रखने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। देखो कैसे, मोक्ष स्कूल जाता है, दादी हमें कहानी सुनाती है। ठीक है, यदि हम शब्दों का क्रम बदल दें तो यह इस प्रकार होंगे, स्कूल जाता मोक्ष है, हमें है सुनाती दादी कहानी। ठीक है, ये वाक्य कुछ अटपटे से लगते हैं, अतः ये वाक्य सही नहीं है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखो नीचे, शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनते हैं। जैसे बनाया ने माँ खाना, ये गलत है, इसका सही वाक्य है माँ ने खाना बनाया। चर है घास रही गाय, ये गलत वाक्य है, इसका सही वाक्य है गाय घास चर रही है। नेक्स्ट है रहा निकल सूरज, ये गलत वाक्य है, इसका सही वाक्य है सूरज निकल रहा है। नेक्स्ट है रहे बच्चे खेल, इसका सही वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या समझा? शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं और शब्दों के भी सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको अपने आप से रीड करके समझना है। ओके।